उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने आयुक्त सभागार में आयोजित नगर निकायों, नगर पंचायतों, नगर निगमों के वित्तीय संसाधन, कर निर्धारण एवं संपत्ति रजिस्टर के रख रखाव एवं अन्य विषयों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विकास बोर्ड के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि नगरीय निकायों में पारदर्शी एवं वैज्ञानिक प्रणाली से संपत्तियों का मूल्यांकन, निर्धारण, उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाती है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करते हुए राजस्व के विभिन्न स्रोतों की क्षमता का मूल्यांकन करना है, जिससे नगर पालिका, नगर पंचायतों, नगर निगमों के आय के स्रोतों में वृद्धि की जा सके। बोर्ड द्वारा राज्य के नगर पालिकाओं की सभी संपत्तियों की गणना करना और एक डाटाबेस विकसित करने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित मंडल के अधिशासी अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड द्वारा उन्हें हमेशा गाइड के रूप में जानकारी दी जाती रहेगी। इसके लिए कोई भी अधिकारी संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिन नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में संपत्ति रजिस्टर पूर्ण नहीं है, जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए। इस अवसर पर कमिश्नर अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित विभिन्न जनपदों के अपर जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की कोई नियमावली हो और अगर कोई नियमावली नहीं है तो कोई भी टैक्स या नॉन टैक्स लगाने के लिए आवश्यक है कि आपका अपना बायलाज हो, विधि हो। उन बायलाज को आज के समय के हिसाब से रिवाइज करने की जरूरत है। जहाँ बायलाज बनाए आप कर नहीं सकते। बायलाज बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एक प्रस्ताव तैयार करें। आप एक प्रस्ताव तैयार करिए। प्रस्ताव तैयार करने के बाद हमें बोर्ड के पास ले जाइए। बोर्ड उसको क्लियर कर देगा, पास के अनुसार ही अपने प्रस्ताव को कि आपको डालना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं, यानी प्रजातंत्र है, यानी हटेंगे जी। डेमोक्रेटिक सिस्टम आपके पास रहेगा, चुने लोग आपके पास रहेंगे, राज्य सरकार पर भी या लोकल गवर्नमेंट पर। लेकिन भाई वाले लोग हैं, यानी जो चुने हुए लोग हैं, वो जो नीतियाँ बनाते हैं, चाहे टैक्स लगाने का या टैक्स बढ़ाने का या कोई, उससे वो स्वयं प्रभावित होते हैं, यानी इसीलिए वो लोग स्वयं प्रभावित हैं। दूसरे आपके जो नीचे का सबॉर्डिनेट स्टाफ है, वो भी वहीं का रहने वाला, वो भी थोड़े से लोग होते हैं, वो वहाँ के नहीं होते हैं, और आप राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य सरकार आपको प्रभावित करती है कि आप काम करिए। डीएम साहब और कमिश्नर साहब आपको समीक्षा बैठक में कहते हैं आप टैक्स लगाइए, टैक्स बढ़ाइए। आप जाते हैं वहाँ, बोर्ड रिफ्यूज कर देता है। ब्लैक बोर्ड या जैसा बताने के लिए जब आप बायलाज बनाए, तो मेरा एक निवेदन है आपसे, उसमें एक लाइन आप जोड़ दें, हम आगे चर्चा करेंगे।